ये आज तो जो धारणा दे रहे हैं दो संगठन मिलकर दे रहे हैं, संबलपुरी भाषा संस्कृति परिषद और हीराखंड सामुख्य। हमारा पहला डिमांड है संबलपुरी भाषा को एट शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए दावी है, और दूसरा है सेपरेट स्टेट, हीराखंड सेपरेट स्टेट हमारा दावी है, जो कि उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट 11 डिस्ट्रिक्ट को लेकर 2 करोड़ लोग उनको भाषा बोलते हैं, संबलपुरी भाषा को बोलते हैं, उनका कल्चर भी दूसरा है, उनका भाषा दूसरा है, और 2 करोड़ लोग 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरा चलता है, तो वो उड़िया भाषा उड़िया में लिखते हैं, लेकिन उड़िया उनका लिपि है, लेकिन उड़िया भाषा नहीं है, वो दूसरा भाषा है, उसको बोलते हैं संबलपुरी बोल के, और संबलपुरी भाषा को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एट शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए उसको हम दावी कर रहे हैं। पहले वो बहुत बार दावी हो चुका है, लेकिन पहले बार आए हैं तो दिल्ली में धारणा देने के लिए पहले आए हैं। ये को भी अब पहले सीएम को भी दावी पत्र दिए हैं पहले से, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी दावी पत्र दिए हैं, बाई पोस्ट दिए हैं, लेकिन आज दिल्ली में आके दावी कर रहे हैं, ये धारणा में बैठे हैं, पहली बार यही है, और ये आज का डिमांड नहीं है, और ये 500 साल से भी बहुत पुराना भाषा है, कब से है आज ये जो देख रहे हैं, ये जो संबलपुरी जो पहन रहे हैं सब संबलपुरी ड्रेस है, ये साड़ी बहुत फेमस है, आपको मालूम होगा प्रतिभा पाटिल आपका अभी जो प्रेसिडेंट हमारा उड़ीसा के हैं वो भी पहनते हैं संबलपुरी साड़ी, वो पृथ्वी प्रसिद्ध है, तो वो सब हमारा जब फिल्म आर्टिस्ट पहनते हैं, तो संबलपुरी लैंग्वेज संबलपुरी भाषा हमारा वो सब कल्चर है, संबलपुरी नाच है, ये जो संबलपुरी लैंग्वेज है ये हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का 11 डिस्ट्रिक्ट में चलता है, खाली 11 डिस्ट्रिक्ट नहीं, छत्तीसगढ़ में और झारखंड एरिया में भी हमारा संबलपुरी भाषा का प्रचलन है। इस ये संबलपुरी भाषा के लिए कम से कम 2 करोड़ लोग संबलपुरी भाषा बोलते हैं हमारा एरिया में, ये भाषा हमारा जो माँ है माँ समलेश्वरी, आप लोगों को भी जानकारी होगा माँ समलेश्वरी ऑल इंडिया लेवल में वो बहुत फेमस वो मैंने देवी हैं, वो उनको हम मानते हैं, उनका नाम से जुड़ के ये भाषा किया गया है, ये कितना कब निकला ये भाषा हमको भी मालूम नहीं है, 100 साल हो गया ये भाषा चलता आ रहा है, और इसलिए उसी भाषा को हम 8 शेड्यूल में देने के लिए सरकार को अनुरोध करने के लिए आए हैं। 100 वर्षा का पुराना है, जिसमें हम बोलते हैं हमारा नाच गीत कल्चर संस्कृति सब कुछ इसी में सम्मिलित है, किंतु हम इतना भी दावी करते हैं कि इसको संविधान का 8वां परिच्छेद में शामिल किया जाए, कि इतना दावी के साथ बाद भी आज ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको दिल्ली आना पड़ा, इतना दूर से हम आ रहे हैं।